क्या ममता बैनर्जी अपने जीवन मार्च को नंदीग्राम से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वे 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी, 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और 13 मार्च को वापस लौट आएंगी। ममता बैनर्जी ने गुरुवार को राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 291 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उन्होंने कहा, खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बता दें कि ममता बैनर्जी ने यह भी घोषणा की कि वह अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। यहां से टीएमसी के एमएलए और ममता कैबिनेट के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में चले जाने के बाद ममता बैनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे जो कुछ भी वादा करती हैं उससे पीछे नहीं हैं, इसलिए नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। और अब उनके अंदाज में कहा जाए तो अब बंगाल में खेला होबे।